हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। एक मिनट, मैं थी ऊपर और जा रही हूँ नीचे। एक्चुअली अरे यार, इन लोगों ने जिम रूम का भी दरवाज़ा ओपन ही कर रखा है। पता नहीं क्या किया यहाँ पे। ओ अद्विक ने सारा कचरा करके रखा है यहाँ पे। अरे यार, और हाँ, किस किस ने ये रूम नहीं देखी है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये मेस है। यहाँ पे मेस नहीं है, यहाँ पर टेडी बियर्स रखे हैं, यहाँ पर मेरी जिम की मशीन रखी है, मतलब ये वर्कआउट मशीन रखी है, जिम की मशीन बोल रही हूँ। और ऊपर थोड़ा सा सज्जे पे ये एक्स्ट्रा सामान रखा है, और यहाँ पर एक थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर की हुई। और ये देखिए अद्विक ने कितना सारा सामान फैला के रखा है। ईयरफोन्स निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी भाई का कॉल आया था, तो इसी वजह से मैंने ईयरफोन डाल दिया था। यहाँ पर इतना सारा मेस करके रखा है अद्विक ने, जो मैंने रख दिया था वहाँ पे, मतलब वो वाले रूम में। एक्चुअली वो वाले रूम नहीं है, वो बाथरूम है इस वाले रूम की, वहाँ पर रख दिया था पूरा, तो इसने खींच के लाया है यहाँ पर। जब तक मैं भाई से बात कर रही थी तब यहाँ पर खींच के लाया। और देती हूँ बंद। चलो यहाँ पर सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज है? मेरे बर्थडे के लिए दिया। बर्थडे के लिए? बर्थडे के लिए नहीं, मुझे ये केक दी थी, मुझे एक आइसक्रीम दी थी, उसमें दो खिलौने थे, खेलने लिए। अच्छा, तो आइसक्रीम में खिलौने मिले थे इसे, वही वो है उसका सरप्राइज गिफ्ट। चलिए अभी नीचे चलते हैं। मानी आवाज बंद करो, कम करो बेटा आवाज। टीवी का जब से टीवी मतलब वो रिचार्ज किया है तब से ऐसे ही हो रहा है। एक मिनट मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। जब से रिचार्ज किया है, एक तो मुझे टीवी देखने की आदत नहीं है, बट जब से रिचार्ज किया है माँ ही टीवी के सामने ही बैठी जा रही है। इसी वजह से मैं हम लोग रिचार्ज नहीं करते। मुझे पता है माही हमेशा टीवी के सामने ही बैठती है। छुट्टियां है बेटा, लेकिन पढ़ाई करनी चाहिए। अभी छुट्टियों में तो पढ़ाई होती है। अभी बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो कम से कम घर पे पढ़ाई करो। कोरोना है, कोरोना को इतना लाइटली, मतलब माही गिर जाओगी चेयर से तो। और मेरे घर पे ज्यादातर सोनी टीवी, सब टीवी चलता है। मतलब सब टीवी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप अगर मेरे पहले के ब्लॉग देखते होगे तो उसमें एनी टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखता होगा आपको। मतलब आवाज तो बैकग्राउंड में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आती है। देखो मुझे कितना अच्छा खेलता है। देखो फुटबॉल कितना अच्छा खेलता है अद्विक। ये येलो बॉल है। येलो बॉल? अच्छा ये येलो बॉल है। अच्छा हो गया, आपने बता दिया। देखो मैंने कितना अच्छा बॉल किया। अच्छा। एक्चुअली ब्रेकफास्ट हो गया है। उनके साथ ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। उकड़ पिंडी बनाई थी आज, और इनके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय भी पी लिया था। बच्चों ने अभी ब्रेकफास्ट किया है, बच्चे अभी थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ छान, आपने अद्विक का डांस देखा, कैसा लग रहा है? हाँ बोल रहा है उधर से। तो बच्चों ने अभी ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि बच्चे आजकल ना थोड़े से लेट उठ रहे हैं। मैं भी नहीं उठा रही हूँ उन्हें, क्योंकि अभी तो सोने के लिए मिल रहा है, नहीं तो पहले तो सुबह सुबह माही को उठना पड़ता था इसकी वजह से ना माही की वजह से मुझे भी उठना पड़ता था, तो इसी वजह से हम बिल्कुल अभी खुद भी थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ और बच्चों को भी थोड़ा लेट उठा रही हूँ। पहले तो स्कूल की वजह से तो उठना पड़ता ही था। अद्विक बेटा टीवी को मार रहा है अब, तो इस तरह से अभी हो रहा है। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ मैं, टेंशन फ्री हो गई हूँ ऐसे समझ लीजिए। थोड़ा सा वो टिफिन वगैरह से रिलीफ मिल रहा है, और थोड़ा सा खाना वाना भी लेट बन, आप थक गए तो थोड़ा सा खाना वाना भी लेट बन रहा है आजकल। यही सब हो रहा है। आपके घर में क्या क्या हो रहा है मुझे जरूर बताना। और मैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ एक्चुअली। अभी बच्चे घर पे है, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दे रही हूँ, बच्चों के इसमें टाइम पास भी हो रहा है, बच्चों को टाइम दे रही हूँ। और थोड़ा सा जो भी खाने का मन कर रहा है आजकल वो बना के खा रहे हैं।
आप क्या क्या कर रहे हो छुट्टियों में, तो ये जरूर बताना मुझे, मतलब छुट्टियां कैसे स्पेंड कर रहे हो घर वालों के साथ। हाँ तो ये जरूर बताना मुझे। बच्चे घर पर रहते हैं ना तो इतना ज़्यादा गंदा करके रखते हैं घर यार, बहुत ज़्यादा गंदा करके रखते हैं। ये दोनों ना मिलके, मतलब जब भी ये दोनों साथ में रहते हैं घर पे, तो वैसे स्कूल वगैरह रहते तो इतना नहीं करते हैं, बट जब दोनों साथ में घर पे रहते हैं ना, जब छुट्टियाँ रहती है, जब समर वैकेशंस होते हैं, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये दोनों। और दिन ही मुझे मतलब टेंशन आ जाता है कभी कभी, संडे संडे और सैटरडे छुट्टियाँ रहती है ना, तो दोनों की भी अगर संडे तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, जब माही के एक आध दिन होता है सैटरडे संडे, कभी कभी सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे माही को छुट्टी होती है और इसको भी छुट्टी होती है, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। दोनों भी मस्ती करते हैं, दोनों भी साथ में खाते हैं तो गिराते हैं। छोटे बच्चों के घर में ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है यार, और मेरे घर पे तो अभी पहले तो इतना वो नहीं था, अभी ये दिन भर घर पे रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको अलग अलग खाने का मन कर रहा है, तो बना के दे रही हूँ, और बना मतलब बनाने में टाइम जा रहा है, उसके बाद वो क्लीनिंग में, और उसके ऊपर मेरी मेड नहीं आ रही है बर्तन वाली, तो उसमें भी टाइम चला जा रहा है, मतलब बर्तन भी क्लीन करो। और आजकल किसी की मेड नहीं आ रही होगी क्योंकि कोरोना की वजह से कोई मेड वगैरह ये वो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, मेड तो किसी की भी नहीं आ रही होगी, तो सबको अकेले को ही काम करना पड़ रहा होगा, जो जो भी जिन्होंने भी मेड रखी है उनकी तो हालत ख़राब हो रही होगी अभी तो, क्योंकि आदत छूट जाती है मेड होने के बाद, और फिर उसके बाद तो करना बहुत ज़्यादा जान पे आता है। तो इसी तरह से मैं मतलब मेरा तो बाकी का कुछ नहीं है, सिर्फ बर्तन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बर्तन तो खुद को क्लीन करने पड़ रहा है तो। और हाँ, जिनके हस्बैंड भी घर पे रह रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम उनका तो कामों में ही निकल जा रहा होगा, बट थोड़ा सा हस्बैंड वगैरह हेल्प कर रहे होंगे उनको, मतलब हस्बैंड घर पे रहते तो थोड़ा सा हेल्प कर ही देते हैं, बट मेरे हस्बैंड इस टाइम भी घर पे नहीं रह रहे, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड की तो मतलब मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही है अभी, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी में थोड़ा सा बिजी है, और आजकल ज़्यादा ही ड्यूटी लग रही है उनकी, मतलब ज़्यादा ही अभी आजकल आपको पता होगा कि पुलिस वालों की ड्यूटी, और जो क्या बोलते हैं तो हॉस्पिटल में काम करते हैं या डॉक्टर है या नर्स है, उनकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, मतलब स्ट्रिक्ट ड्यूटी लग रही है, तो इसी वजह से मुझे इनकी बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही है, और मुझे सारे काम अकेले को करने पड़े, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और बच्चे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, गंदा करके रखते हैं या खाने के लिए मांगते रहते हैं, उल्टा अच्छा है ये तो, अच्छा है खाने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि दिन भर उनको पहले तो ऐसा था कि मतलब माही खुद पे ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब खुद पे कुछ भी नहीं खा रही थी, अभी तो घर पे रह रही है तो कुछ ना कुछ खाते रह रही है दिन भर, तो ऐसा होता है, बट वो ना थोड़ा सा गंदा भी करके रखते हैं घर, थोड़ा सा उसमें क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और आजकल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो कि नहीं मुझे ज़रूर बताना, मतलब क्लीनिंग के टाइम पे आप डेटॉल यूज़ कर रहे हो कि नहीं, पोछे के टाइम पे डेटॉल यूज़ कर रहे हो कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, वो जो मैंने बताया था आपको, एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें डेटॉल डाल के स्प्रे करा करो डेली, दिन भर थोड़ा थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में आप स्प्रे करा करो सारी जगह पे, तो उससे भी थोड़ा सा सैनिटाइज हो जाएगा आपका घर और बाकी सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। और हमेशा हमेशा हैंड वॉश किया करो, हमेशा हमेशा। और हाँ, मुझसे मुझे ना थोड़ा सा कल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि खांसी हो रही है, गले में थोड़ा सा वो हो रहा था, तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मतलब वो सुनाई दे ही रहा है ना कि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो होता है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा डर गई थी मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मुझे, खांसी हो रही थी मतलब थोड़ी सी, और उसकी वजह से ना मैंने खुद को ऊपर बंद कर दिया था, और ऊपर से मैं कितनी देर तक आई नहीं नीचे, उसके बाद फिर मैंने अदरक वाली चाय वगैरह पी, और चाय तो मैं अभी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, डाइट वाइट कुछ भी नहीं कर रही हूँ यार मैं। आप लोग पूछ रहे थे कि डाइट बताओ या एक्सरसाइज बताओ, तो एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है और डाइट भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जिम तो बंद ही है कितने दिनों से, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, घर पे रहते तो कुछ भी नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं कि घर पे कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे बट कुछ नहीं होता है, और डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, मतलब डाइट पे मीन्स मैं चाय इतनी ज़्यादा पी रही हूँ आजकल, मतलब थोड़ा सा वो होने के लिए, गर्म रहने के लिए इतनी ज़्यादा चाय पी रही हूँ, और वो भी अदरक वाली, और हाँ आप भी पीजिए क्यों,
हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी, मतलब अगर आप अदरक वाली चाय नहीं पियोगे, थोड़ा सा आप अदरक डालिए चाय में और हल्दी भी डाल दीजिए थोड़ी सी, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हल्दी में, थोड़ा सा बैक्टीरिया को कम करती है, और गले में अगर आपके इन्फेक्शन है या थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रखी है आपको तो वो भी इससे कम होगी। तो थोड़ा सा चाय बनाने के टाइम इतना ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट ख़राब होगा बट हमें अभी टेस्ट का नहीं देखना है, हमें अभी देखना है हमारे मतलब हेल्थ का देखना है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, उसमें अदरक और हल्दी ज़रूर डालिए चाय में और वो पीजिए चाय, तो आपको आपके लिए सही रहेगा। और सर्दी ज़ुकाम से बचिए, थोड़ा सा ठंडा पानी और ठंडे चीज़ों से बचिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ, आपने वो वीडियो देखा कि नहीं, थोड़े से नुस्खे मैंने बताए हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए कोरोना वायरस के लिए, तो थोड़ा सा आप वो भी वीडियो एक बार देख लीजिए, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और अभी मेड नहीं आ रही है तो खुद को ही काम करने पड़ रहा है, सभी को खुद को काम करने पड़ रहे होंगे, तो इसी तरह से बर्तन वगैरह क्लीन करने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे यार। और मेरे मेड का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से वो पहले भी नहीं आ रही थी, कितने दिनों से वो आ ही नहीं रही है, और उतने उस टाइम से ना मुझे ही बर्तन क्लीन करने पड़ रहे हैं कितने दिनों से। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो क्यों नहीं आ रही है, बट उसके बाद फिर वो उसने पूरा ही आना बंद कर दिया, क्योंकि उसने फिर बाद में मुझे बताया कि कॉल करके कि मेरी जो बेटी है उसकी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से मैं नहीं आ रही हूँ और मैं इसके बाद भी नहीं आऊँगी। तो इसी वजह से अभी, और कोरोना की वजह से तो कोई मेड मिल नहीं रही है, तो अभी मुझे खुद को ही काम करना पड़ रहा है, सारे काम खुद को ही करने पड़ रहे हैं घर के, तो इसी वजह से सारा टाइम ना घर के कामों में ही निकल जा रहा है, मेरा ही नहीं सभी का निकल जा रहा होगा घर के कामों में टाइम, वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, अभी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सारे मतलब घर के अंदर ही है, जो चाहे वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो। इतने सारे बर्तन पड़े थे, मतलब कल रात के भी वैसे ही पड़े थे, और जैसे ना होता है कि कोई हेल्पर होती है तो उसके भरोसे पर ही हम रह जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि अभी पहले तो मुझे बहुत आदत थी कि जैसे मैंने बर्तन निकल गए थोड़े से तो मैं क्लीन कर लेती थी, जब से हेल्पर है उस टाइम से तो मुझे आदत छूट गई है मेरी, मतलब थोड़ा सा वो आलस टाइप का हो रहा है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि रात के भी बर्तन वैसे ही पड़े थे और सुबह के भी ब्रेकफास्ट के बर्तन वैसे ही पड़े थे, तो मैंने अभी सारे क्लीन किए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, गैस का स्लैब क्लीन किया है और मेड नहीं आ रही ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यार, और ये कोरोना की वजह से सारे काम खुद को ही करने पड़ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, थक गई, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ, पोछा भी करना है क्योंकि एक बार पोछा किया था अद्विक ने और गंदा कर दिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो गंदा ही करता है, तो इसी वजह से मैं अभी सोच रही हूँ कि पहले ना उसको ब्रेकफास्ट करने दिया करूँगी, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाया करूँगी, तो यही करूँगी, नहीं तो दोबारा से मेरे काम बढ़ जाते हैं उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि हर जगह प्लेट लेके घूमता है, पूरे घर में प्लेट लेके घूमता है और स्पून से वो गिराता रहता है, तो इसी वजह से दोबारा से झाड़ू भी मारना पड़ता है और दोबारा से पोछा भी मारना पड़ता है, तो अभी पोछा एक बार मार लूँगी, झाड़ू तो कर लिया है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। और हाँ, कौन कौन पोछे के टाइम पे डेटॉल यूज़ कर रहा है मुझे ज़रूर बताना, डेटॉल यूज़ ज़रूर कीजिए यार, डेटॉल का स्टॉक आउट हो गया है, डेटॉल मतलब बिल्कुल डेटॉल मिल नहीं रहा है, कल तो ये छोटी छोटी दो बॉटल लेके आए थे, पहले तो मेरे घर पे डेटॉल ना भर भर के रहता था, मतलब हम लोग बड़ी सी बॉटल लेके आते थे डेटॉल की और सेवलॉन की, तो सेवलॉन की बॉटल है अभी भी, सेवलॉन इतना ख़त्म नहीं हुआ है बट डेटॉल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो सेवलॉन और डेटॉल सेम ही है बट डेटॉल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास ना बड़ी सी बॉटल थी डेटॉल की, सबसे बड़ी जो बॉटल आती है वो वाली बॉटल थी, जब कोरोना वायरस का पता चला था उस टाइम हम लोग ना उसमें लाते हैं, मतलब ग्रॉसरी में, मंथली ग्रॉसरी में बड़ी वाली बॉटल लेके आते, बट इस बार मिली ही नहीं यार उसमें क्या बोलते हैं डीमार्ट में, तो इस बार मुझे मैंने सोचा चलो है घर में, तो इसी वजह से मैंने भी टेंशन नहीं लिया था, बट जब वो ख़त्म हो गई ना तो अभी टेंशन आ रहा है, छोटी छोटी बॉटल मिल रही है, मेडिकल में भी बॉटल नहीं मिल रही है, अभी कल वो छोटी छोटी दो बॉटल लेके आया है, तो अभी उसी से फिलहाल तो काम चलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो, कोरोना वॉल्यूम कम करो, कोरोना ने, कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ रही है, वैसे भी क्लीनिंग करती हूँ बट इतनी मैं बार बार क्लीन रख रही हूँ घर, और देखो कितना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, अब एक बार और नहा लेती हूँ डेटॉल के पानी से, और हमेशा हमेशा डेटॉल यूज़ कीजिए, कपड़ों में डेटॉल यूज़ कीजिए, मैं हमेशा हमेशा इसी वजह से बोल रही हूँ आपको, और सर्दी की खांसी ज़ुकाम होने से बचिए,
ठंडा पानी मत पीजिए, जब भी आपको प्यास लगे तब गर्म पानी पीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एक बार नहा लेती हूँ अच्छे से, खाना खाना बाकी है, सारा कुछ बाकी है अभी। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।